ऊपर तनावर और ताकतवर और फलदार होगा, क्या होगा? तो इसी तरह परमेश्वर जी क्या कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। जब तक हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे, उसके साथ पवस्त नहीं होंगे, तो हम उस फलदार मसीह नहीं बन सकते। ठीक है जी, हमें अपने फलदार मसीह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को खुदा के साथ पवस्त करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। और इसी तरह जब हम उस दरख्त को देखते हैं जो जमीन पर लगाया जाता है और उसकी जड़ें मजबूत होती हैं जमीन में, और वो एक तनावर दरख्त होता है और फलदार होता है, जितनी जड़ें उसमें जमीन में मजबूत होती हैं, इसी तरह वो मतलब जमीन पर भी तनावर होता है और फलदार होता है। और इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह